एक व्यक्ति विशेष जोधपुर में मुलाकात करने के लिए कुंडली विश्लेषण के माध्यम से पहुंचे और जब उनसे चर्चाएं चल रही थी तो उन्होंने कहा कि जब मैं अपने शिफ्टिंग प्रोसेस की ओर अग्रसर था, नौकरी पेशा जीवन से व्यापार की ओर शिफ्ट कर रहा था, तो वो मेरे लिए चॉइस थी। सर्कमस्टांसेस के साथ में जुड़कर मैं व्यापार की ओर नहीं जा रहा था और जब ग्रहीय व्यवस्था के आधार पर मैं उनसे बातचीत कर रहा था तो एक और निर्णायक बात उनके द्वारा कही गई कि जब लोग वीकेंड की पोजिशंस के साथ में खुद को आनंदित करके 5 दिन की थकान उतारने वाले होते थे, मुझे लगता था कि अगले 2.5 दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मुझे अपने कामकाज की शुरुआत करनी है तो यहाँ खुद के भीतर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स करने होंगे। समय आया, ग्रहीय व्यवस्थाओं ने साथ दिया और वो व्यक्ति एक सफल व्यापारी के रूप में जाना गया। और उसके बाद में जब भी व्यक्ति नौकरी से व्यापार की ओर आता है तो वहाँ स्वयं के द्वारा अनुशासन स्थापित करने की दरकार बहुत अधिक रहती है, जो आपके अंदर कई बार प्रेशर्स आपको एक डिसिप्लिन के साथ में चलाते हैं। किंतु जैसे ही आप बिजनेस की ओर जाते हैं तो वहाँ पर बहुत लंबे समय तक आपको सारी स्थितियों को भूलकर व्यापार में संलग्न होना होता है और स्वयं को अनुशासित रखने की आवश्यकताएं होती है। समय, ग्रहीय व्यवस्थाओं का परिवर्तन और उनका साथ में जुड़ाव व्यक्ति विशेष को एक सफल व्यापारी बनाकर रख देता है और ये पोजीशंस कई बार सामने आने वाली होती है। तो यही वीकेंड की शुरुआत है और जब भी हम किसी भी ऐसे लक्ष्य को खुद के लिए स्थापित करने वाले हों, अपनी कंपनी एस्टेब्लिश करनी है, अपना व्यापार एस्टेब्लिश करना है, तो वीकेंड की पोजीशंस को आनंद के साथ में रखना अलग बात है, किंतु वहीं पर खुद के भीतर इन्वेस्टमेंट करने के हिसाब से, खुद के नए गोल को सेट करने के हिसाब से रखना बिल्कुल अलग बात है। अगर आप ऐसी चुनौतियों के साथ में हैं तो इस वीकेंड का भरपूर लाभ उठाकर बढ़ते चले जाइएगा। 7 फरवरी 2020 शुक्रवार का दैनिक राशिफल लेकर हम आप सभी के सम्मुख हाजिर हैं, उपस्थित हैं। तो वहीं पर चंद्रमा आज पूरे दिन मिथुन राशि स्थान में ही विराजमान रहने वाले हैं और सूर्यदेव मकरस्थ गतिमान हैं, गतिशील हैं। नक्षत्रीय परिधियों में पुनर्वसु नक्षत्र की परिधियां रहेंगी। माघ मास शुक्ल पक्ष अपने चरमोत्कर्ष की ओर लगातार अग्रसर है। यहां शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो बाधाएं आपके लिए बनी हुई थी, अब वो धीरे धीरे साइडलाइन होती हुई देखी जा सकती हैं। जो भी संशय बने हुए थे, जिसकी वजह से हम परेशान थे, उन सब के ऊपर अब अंकुश लगता हुआ बेहद आसानी के साथ देखा जा सकता है। प्रथम दृष्टिगोचर स्थिति ये आप ध्यान रखिएगा, वहीं पर व्यापार में जहां पर भी भाग्य की आवश्यकता है वो भी स्थिति प्रचुर मात्रा में आपके समक्ष रहने वाली रहेंगी। इस दिन थकावट की स्थितियों के साथ में आप नहीं चलेंगे तो वहीं जो शत्रु परेशान कर रहे थे वो भी अब एक तरफ होते हुए देखे जा सकते हैं। वाणी के साथ में अगर आपका कामकाज जुड़ा हुआ है तो ये दिन नवीन सफलता के द्योतक के रूप में सामने आने वाला पुरजोर तरीके से रहेगा ही रहेगा, ये भी बात आप स्मृतियों में रखिएगा। तो वहीं जो भाइयों के साथ में व्यापार चल रहा था वहां पर डोमिनेट करने के प्रयासों से बचना चाहिए। गृहस्थ जीवन की ओर से कुछ सुखद खबरें आपका इंतजार कर रही हैं तो घर परिवार के साथ में एक अच्छा जो क्वालिटी टाइम जिसको कहा जाता है वो भी बीतने की स्थितियां लगातार आपके साथ बनी रहने वाली रहेंगी। वृषभ राशि की अगर मैं यहां पर चर्चा करूं तो सर्वप्रथम आर्थिक स्तर के ऊपर इस दिन को आपके लिए बहुत बेहतर कहा जा सकता है, उन्नतिशीलता देने वाला रहेगा। व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन का निर्णय मंगल के परिवर्तन के पहले लेना है तो आप उस स्तर के ऊपर भी जा सकते हैं। मंगल राशि अंतराल को 8 फरवरी से परिवर्तित कर जाएंगे, उसके पहले आप व्यापार में त्वरित गति के निर्णय लेने की ओर जा सकते हैं। वक्ता की श्रेणी के साथ में जुड़े हुए महानुभाव हैं तो वहां पर भी आपकी वाणी का लोहा बहुत अच्छे से माना जाएगा और आप अपने कामकाज के अंदर बेहद सक्रिय स्तर पे आगे बढ़ने वाले भी रहेंगे ही रहेंगे। भूमि संबंधित कामकाज में अगर आप किसी व्यक्ति विशेष को साथ में जोड़ना चाहते हैं उस ओर भी प्रयासशील हो सकते हैं, सफलता सामने आती हुई देखी जाएगी आपके लिए। तो वहीं पर एक और बात ध्यान दीजिएगा, शेयर मार्केट संबंधी स्थितियों के अंदर कोई भी निर्णायक प्रॉफिट की पोजीशन बनी हुई है तो उसको अगले वीक के ऊपर नहीं टालें, इसी दिन उस सौदेबाजी को कंप्लीट करके आगे बढ़ने का प्रयास आपको निरंतर रूपेण करते चले जाना चाहिए। मिथुन राशि की अगर हम चर्चा करते हैं तो स्व राशि स्थान में चंद्रमा विराजित रहेंगे, यानी कि मिथुन राशि के लिए मिथुन राशि स्थान में ही चंद्रमा विराजमान है। व्यापारिक स्तर के ऊपर ये दिन
बेहद खास है आपके लिए। जहां पर दूसरे लोग आराम तलबी की ओर जा रहे हो, दूसरे लोग वीकडेज की पोजीशन के ऊपर पोजीशंस को छोड़ रहे हो, आप अपनी रफ्तार को फिर से बढ़ाकर काफी कुछ हासिल करते हुए देखे जाएंगे। सफेद वस्तु के कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं, इन सारे ही वर्किंग पोजीशंस के अंदर ये दिन आपको निर्णायक स्तर पे प्रॉफिटेबल गेन देकर जा सकता है, यानी कि एक अच्छे स्तर के ऊपर खड़ा कर सकता है। क्रिएटिव स्पेसिफिक फील्ड के साथ में जुड़े हुए महानुभावों के लिए जॉब में चेंजेस या फिर अपने व्यापार में नए ऑफर्स की पोजीशन भी सामने आती हुई बेहद आराम से देखी जा सकती है। उसकी स्वीकारोक्ति की आवश्यकताएं भी आपके साथ बनी रहेंगी। घर परिवार के साथ में क्वालिटी टाइम बीतेगा, तो वहीं पर जो आसपास के सामाजिक क्षेत्र के साथ में हमारा जुड़ाव होता है, यश मान और प्रतिष्ठा बहुत अच्छे से बढ़ती हुई आपके लिए देखी जा सकती है। कर्क राशि की अगर वहीं हम चर्चा करते हैं, खर्चों की पोजीशंस लगातार बनी रहेंगी, दूसरे लोगों के उकसावे में आकर आप एक्सपेंसेस की ओर जाने से बचिएगा, रोग के ऊपर थोड़े से खर्चे सामने निकल कर आ रहे हैं, यात्राओं में आपके लिए बाधाएं हल्के फुल्के स्तर पर परेशान कर सकती है, तो वहां पर भी आप अगर यात्रा टाल सकें तो ज्यादा अच्छा है। और गृहस्थ जीवन के साथ में छोटे छोटे संशय पनप के जो परेशानियां उजागर होती है वो भी डिफरेंसेस क्रिएट कर सकती है। ऐसी कोई भी पोजीशन सामने नहीं आए, ऐसी कोई भी पोजीशन हमको नेगेटिविटी के साथ में चलाने वाली नहीं रहे, इस बात के ऊपर भी गंभीरता से विचार करके बढ़ने की दरकार रहेगी। कोई भी ऋण अगर आप व्यापार के लिए अपने पर्सनल लेवल के ऊपर लेना चाहते हैं, इस दिन को टालने का प्रयास कीजिएगा। अगले सप्ताह की शुरुआत में आप उस ओर जा सकते हैं, उसके पहले थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखने की दरकार रहेगी ही रहेगी। इस बात को बहुत अच्छे से नोटिफाई करके चलते चले जाइएगा आप। तो वहीं ये भी देखिए कि विदेश संबंधी कामकाज में चंद्र प्रधान राशि के महानुभावों के लिए ये दिवस बहुत अच्छी सूचनाएं लेकर आता हुआ भी देखा जा सकता है। सिंह राशि की अगर वहीं पर हम चर्चा करते हैं, तो सर्वप्रथम शेयर मार्केट संबंधी गतिविधियों के अंदर ये दिन बरसक तरीके से बहुत अच्छे परिणाम देने वाला बना हुआ है। क्षमताओं में वृद्धि रहेगी, मशीनरी उद्योग के साथ में जुड़ाव में अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, कोई भी व्यक्ति विशेष महत्वपूर्ण ऑफर लेकर आता है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी आप लगातार बनाकर रखिएगा। घर परिवार के साथ में अच्छा समय बीतेगा, तो वहीं पर स्थान विशेष से कुछ अच्छे सौदे आने की उम्मीद भी आपके लिए कही जा सकती है। उससे भी कहीं इनकार करने वाली पोजीशंस दूर दूर तक भी दिखाई नहीं दे रही है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्तर है। भूमि संबंधित कामकाज के साथ में स्थायित्व संबंधी कोई भी वर्किंग कैपेसिटी के साथ में आपका अगर रोजगार का माध्यम लगातार चल रहा है, दूसरे लोग भी अगर आपके साथ में जुड़े हुए हैं, तो सूर्य प्रधान राशि के महानुभावों के लिए ये दिन बहुत बेहतर कहा जा सकता है। स्मृतियों में आप रखिए कि जब भी हम इस दैनिक राशिफल के साथ में चलते हैं, अपनी कर्मशीलता के प्रभाव को, उस कर्मशीलता के प्रवाह को लगातार अपने कामकाज के साथ में जोड़ने का प्रयास करें। कई बार स्थितियों के अंदर एक डिफिकल्ट अप्रोच होती है, लेकिन जब व्यक्ति अपनी पूरी तैयारी के साथ में, अपनी पूरी ऊर्जा के साथ में अपने कामकाज की ओर लगने की शुरुआत करता है, तो उसे फिर कोई रोकने वाला नहीं मिलता। और जब सूर्यदेव के ग्रह व्यवस्था के साथ में चंद्रमा की ये स्थितियां जुड़ी हुई हो और सूर्य प्रधान राशि के महानुभावों के लिए जब ऐसी लाभकारी स्थितियों में चंद्रमा हो, तो आपको कहीं भी रुकने की, थकने की आवश्यकता नहीं है। वीकेंड की पोजीशन को अब वीकडेज की पोजीशन समझिएगा। प्रत्येक क्षण नव चेतना और नव उत्साह के साथ में अपने कामकाज की ओर बढ़ते चले जाए, रोकने की स्थितियां नहीं दिखाई दे रही है। कई बार स्वयं को इसी उत्साह के साथ में लेकर चलने की जरूरत रहती है। यहां कोई भी व्यक्ति आपको उस समय तक सहारा नहीं देता जब तक आप स्वयं को सहारा नहीं देते। सर्वप्रथम स्वयं को सहारा देने की आवश्यकताएं हैं, दूसरे लोग समर्थन में आपके साथ में चल सकते हैं, किंतु स्वयं का सहारा सबसे पहले सक्षम तौर के ऊपर खुद को बनना पड़ता है। इस बात को आप अपने साथ में बहुत अच्छे से लेकर चलते चले जाइएगा। संतान पक्ष को अगर कामकाज में आप इंक्लूड करना चाहते हैं, तब भी ये दिन
बहुत अच्छा बना हुआ है आपके लिए। कन्या राशि की अगर हम चर्चा करते हैं तो यहां आजीविका के संसाधनों के अंदर वृद्धि बहुत अच्छे तरीके से देखी जा रही है। इच्छा शक्ति में कमी नहीं रहेगी और जो भी हिडन प्रॉब्लम्स परेशान करने वाली थी उनके ऊपर भी लगातार एक रोकथाम लगती हुई देखी जा सकती है। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में जो आपके कामकाज का प्रवाह है वो बहुत अनूठे तरीके से सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बात को भी आप बेहतर तरीके से नोटिफाई करके चले जाइएगा। अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ में जुड़ाव रखते हैं, रेडीमेड क्लोथिंग इंडस्ट्री के साथ में जुड़ाव रखने वाले हैं या किसी भी फैशन टेक्नोलॉजी संबंधी आइटम के साथ में जुड़ाव रख के अपने कामकाज को आगे बढ़ा रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर अपनी व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने में अगर आप अग्रसर हैं तब भी ये दिन आपको कहीं भी थकने और रुकने की पोजीशंस को सामने लेकर आने वाला नहीं दिखाई देगा। लगातार नए से नए लक्ष्य संधान करते हुए आप स्वयं को बढ़ाते चले जाइएगा। ये तो एक बात है। वहीं दूसरे स्तर के ऊपर जो पिता के साथ में व्यापार चल रहा होता है वहां पर भी आपके लिए नई एक्सेप्टेबिलिटी वाली पोजीशन लगातार सामने आती हुई देखी जाएंगी ही जाएंगी। तुला राशि की अगर मैं चर्चा करता हूं तो भाग्य का सपोर्ट इस वीकेंड की पोजीशन में आपके लिए बना हुआ है। जॉब में चेंजेस की पोजीशन सामने आती हुई दिखाई दे रही है। भाइयों के साथ में अगर व्यापार चल रहा है तो उसमें नवीनता की आवश्यकताएं रहेंगी। नौकरी पेशा जीवन के साथ में जो भी हल्के फुल्के संशय या फिर अंतर द्वंद बने हुए थे उसके ऊपर भी नियंत्रण लगता हुआ पुरजोर तरीके से आपके समक्ष दिखाई देगा। ये तो एक बात है। जो भी हिडन प्रॉब्लम सता रही थी पिछले दो ढाई दिनों से उसके ऊपर भी अब एक तरह से रोकथाम की स्थितियां बनी हुई है। योगाभ्यास के द्वारा और साथ ही साथ में फिजिकल वेलबींग के अंदर डिसिप्लिन संबंधी गतिविधियों के साथ द्वारा आप अपने स्वास्थ्य में सुधार की पोजिशंस को लगातार महसूस करने वाले रहेंगे। गृहस्थ जीवन के साथ में चलते हुए व्यापारिक स्तर को एक नया आयाम देने वाले भी आप हो सकते हैं। वहां पर भी प्रयासरत रह के जरूर हमको बढ़ना चाहिए। वृश्चिक राशि की अगर मैं यहां पर चर्चा करूं तो सर्वप्रथम नए कामकाज की शुरुआत से बचकर चलने का आप लगातार प्रयास कीजिएगा। प्रथम दृष्टिगोचर स्थिति यह है, वाणी के ऊपर नियंत्रण की दरकार पूरे तरीके से रहेगी। शेयर मार्केट में इंस्टेंट बेसिस के लाभ की पोजीशंस की ओर जाते हुए खुद को कहीं भी हम उलझाने का काम नहीं करें, वहां पर भी थोड़ा सा रीथिंक करके चलने की आप कोशिश कीजिएगा। कोई भी व्यक्ति फैसिनेशंस के साथ में ऑफर लेकर आता है और आपके लिए उस ऑफर की स्वीकारोक्ति के अंदर उहापोह की स्थितियां बनी हुई है, स्वयं को एक बार रोकने का और नई सोच के साथ में चलाने का प्रयास जरूर करना चाहिए। एक से दो दिन अगर हम ऐसे किसी भी श्रेणी में रुक जाते हैं तो उसको ज्यादा बेहतर हमारे लिए कहा जाएगा। रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, एजुकेशन संबंधी पोजीशंस के साथ में जुड़े हुए हैं, रिलेशंस थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने वाले आपको हो सकते हैं, आपकी एकाग्रता के अंदर विक्षोभ की पोजीशन सामने आ सकती है, इस बात के ऊपर भी थोड़ा सा गौर करने की दरकार आपके लिए रहने वाली है। तो वहीं आप देखिए कि भाग्य का सपोर्ट उस स्तर के ऊपर कामकाज में नहीं बना हुआ है तो अपनी रफ्तार को धैर्य के साथ में समागम के साथ चलाने का प्रयास जरूर कीजिएगा आप। वहीं अगर मैं धनु राशि की चर्चा करता हूं तो व्यापारिक क्षेत्र विशेष के अंदर इस दिन को निर्णय के हिसाब से बेहद व्यवस्थित कहा जा सकता है। कर्मशीलता लगातार आपके लिए बनी रहेगी, इच्छा शक्ति का अभाव कहीं भी नहीं है। तो वहीं नेटिव प्लेस जाकर अगर आप एक अच्छा समय घर परिवार के साथ में बिताना चाहते हैं उस और भी बढ़ सकते हैं। मन माफिक जगह स्थान परिवर्तन की दरकार थी ऐसी ही कोई संभावना सामने आ रही है किंतु पैकेज के अंदर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, आप उस और भी गतिशील जरूर होते चले जाइएगा। ये तो एक बात रही। वहीं पर आप देखिए कि जो विश्वास आपके भीतर पनपा हुआ है आज वो कामकाजी जीवन के अंदर कई डील्स को फाइनलाइज करवा के आगे बढ़ाने वाला भी हो सकता है, इस बात के ऊपर भी गौर जरूर हमको करना चाहिए। टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ में बहुत ज्यादा यात्राओं के साथ में कामकाज चल रहा है तब भी इस दिन को आप स्वयं के लिए नए आधार की स्थितियों के साथ में जोड़कर देखते चले जाइएगा। ये तो रही एक बात। वहीं
मकर राशि की अगर हम चर्चा करते हैं तो विदेश संबंधी गतिविधियों के साथ में ये दिन नई सूचनाएं लेकर आएगा, नए कामकाज के ऑफर आ सकते हैं। निराशाओं से बहुत दूर रहकर मन के भीतर की जो स्थितियां होती है उसको जानकर फ्रस्ट्रेशन को दूर हटाना, ये भी इस दिन का सबसे बड़ा ध्येय आपके लिए होना चाहिए। शत्रु जो पनपे हुए थे वो भी साइडलाइन होते हुए देखे जाएंगे। ऋण अगर कोई भी लेना है उससे आज थोड़ा सा सावधान रहकर चलिएगा। तो वहीं पर मौसम बीमारियां परेशान कर सकती है, फिजिकल फटीक थोड़ा सा दिक्कत देने वाली हो सकती है। इन दोनों ही स्तर के ऊपर सोचने और समझने की दरकार हमारे लिए बनी हुई है। शैक्षणिक स्थितियों के साथ में अगर आपका जुड़ाव है, डिस्ट्रैक्शन ड्रिवन अप्रोच आपको परेशान कर सकती है, इसलिए किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं ये जरूर ध्यान रखिएगा कि हम कहीं भी खुद को उलझाने की ओर जाने वाले नहीं रहें। लगातार एक ही स्तर के साथ में चलते चले जाएं तो बेहतरी हमारे लिए बनी रहेगी। कुंभ राशि की अगर मैं यहां पर चर्चा करता हूं तो सर्वप्रथम आपके लिए क्षमताओं में वृद्धि है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में इस दिन को बहुत अच्छा कहा जा सकता है आपके लिए। संतान पक्ष की ओर से उनके गृहस्थ जीवन को लेकर कुछ चिंताएं थी, बाधाएं थी जिसका समाधान अभी तक नहीं मिल पाया था, तो यहां आपके लिए सॉल्यूशन की एक नई हद बनती हुई देखी जा सकती है। कर्मशीलता के साथ में जो लाभ जुड़े हुए होते हैं वो भी प्रगतिशीलता की ओर आपको अग्रसर करने वाले रहेंगे ही रहेंगे। जो भी शिक्षा आपने ग्रहण की थी अभी तक नौकरी में या व्यापार में वो काम नहीं आ पाई थी, ये दिन उस और भी लेकर जाने की पोजीशंस को निर्मित कर रहा है बेहद आसानी के साथ में। वहीं अगर आप किसी स्थान विशेष के साथ में जुड़कर अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप को एक्सपांशन के मोड की ओर लेकर जाना चाहते हैं, तब भी ये दिन शुभ कर बना हुआ है आपके लिए। वाहन चलाते समय थोड़ी सी सावधानियों को बरतकर चलने की कोशिश आपको जरूर करनी चाहिए। वहीं अगर मैं मीन राशि की चर्चा करता हूं तो आप यहां देखिए कि इच्छा शक्ति की जो स्थितियां हैं वो बहुत गहरे से भीतर कामकाज में जुड़ी रहेंगी। भूमि संबंधित कार्य विशेषक क्षेत्र के अंदर भी ये दिन तीव्रगामी आपके लिए बना हुआ है। और वहीं पर दूसरे लेवल पे ये भी बात नोटिफाई करके चलनी चाहिए कि अगर आप जॉब में चेंजेस की ओर जाना चाहते हैं, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन उससे जुड़ा हुआ कोई भी कामकाज ऑफर आती है तो आप कॉम्प्रोमाइजेस के साथ भी बढ़ें किंतु उसको स्वीकार करने की ओर जरूर जाएं, जिससे कि लंबे समय अंतराल तक लॉन्गर टर्म की अप्रोच तक आपके लिए बेनिफिट की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे। ये तो एक बात है, तो वहीं दूसरे स्तर के ऊपर जो भी महानुभाव सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जुड़ाव रखते हैं और अपनी प्रोफाइल में चेंजेस चाहते हैं, कुछ नया एड ऑन करके आगे बढ़ना चाहते हैं, वहां पर भी ये दिन शुभकर आपके लिए लगातार बनता हुआ दिखाई देगा ही देगा। ये था 7 फरवरी 2020 का दैनिक राशिफल। ऐसे ही चर्चाओं के साथ समय दर समय हम हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।